लेट अस सी दिस क्वेश्चन. टी इक्वल टू टू आई अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ आई एम जी डी अपॉन एम जी डी. हेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इज द मास, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड डी इज द डिस्टेंस, टी इज द टाइम. ओके माय डियर, तो सो चेक द फॉर्मूला इज राइट और रॉन्ग. मेरे दोस्तों आप जरा ध्यान से सबसे पहले लेफ्ट हैंड डायमेंशन को देखो. लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड देखते ही आपको किसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ टाइम टी. डायमेंशन ऑफ टाइम क्या हो जाएगी, टी. अब राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड अगर देखते हैं तो राइट हैंड साइड में फॉर्मूला लिखा है इज द स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन एम जी डी. सो मेरे दोस्तों द डायमेंशन ऑफ आई होता है बच्चों एम एल स्क्वायर अपॉन एम मास है तो मास का डायमेंशन एम, जी एक्सेलरेशन है तो इट इज एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, एंड डी इज डिस्टेंस, सो दिस इज एल. मेरे दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हो एंड दिस होल वर्ड इज इन स्क्वायर. सो भैया यहां से दिख रहा होगा कि एल से एम कैंसिल आउट हो रहा है, एल स्क्वायर से ये दो बार एल कैंसिल आउट हो गया और 1 अपॉन टी की पावर माइनस टू की रूट. तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, टी की पावर टू का रूट. हाँ, और टी की पावर टू का रूट किसके बराबर हो जाएगा, टी. सो आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया बच्चों, राइट हियर राइट हैंड डायमेंशन इक्वल टू लेफ्ट हैंड डायमेंशन. सो गिवन फॉर्मूला इज फिजिकली, given formula is physically correct, dimensionally correct, I'm sorry, dimensionally correct. clear my dear friends. चलो yes. एक और करेंगे क्या, yes, चलो इस yes, बार sir. इस बार आप लोग बताओ कि ये formula सही है या गलत है. पहले वाला. So, मेरे दोस्तों आपको एक क्वेश्चन है, C is equal to 1 upon square root of mu naught into epsilon naught. Mu naught is the medium of permeability, epsilon naught is the medium of permittivity, C is the speed of light. Medium of permeability की dimension है MLT minus 2, A minus 2. Medium of permittivity की dimension है M to the power minus 1, L to the power minus 3, T to the power 4, A square. स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली स्पीड है तो उसकी डायमेंशन होती है एलटी माइनस वन. यस समृता, टेल मी. नहीं सर, वो जस्ट देखा मैंने क्या करते हैं ऑप्शन, और ये गलत है सर, ये गलत है, ये इक्वल से नहीं होगा सर, ये गलत. ओके, देख लेंगे, अभी देख लेंगे. ओके, सो हम सबसे पहले एलएचएस को देखते हैं. एलएचएस में C है तो डायमेंशन ऑफ C मतलब डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशन ऑफ C विच इज स्पीड. सो बच्चों स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन. स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन. आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होगा बच्चों, राइट हैंड डायमेंशन क्या लिखा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. बेटा स्क्वायर रूट जरा ध्यान से देखिए, वन तो ऐसे ही लिख दिया, अपॉन लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट बड़ा सा. अब सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर कर सकते हैं सर. हाँ वो भी कर सकते, इसका डायमेंशन लिखते एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू. तो परमेबिलिटी का डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, एंड अब साइलेंट नॉट का डायमेंशन है एम की पावर माइनस वन, एल T की पावर 4, T की पावर 2 होगा, हाँ T की पावर 4 और A की पावर 2, हाँ M L M माइनस 1, L to the power माइनस 3, L to the power माइनस 3, एंड T to the power 4, A to the power 2. मेरे दोस्तों आप जरा ध्यान से देखिए, यहां पर M की पावर 1 है, यहां M की पावर माइनस 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होंगी तो कितना आ जाएगा बच्चों, एम की पावर जीरो आ जाएगा. एल की पावर वन है, यहाँ पर माइनस थ्री है, तो मिलके क्या बना देगा, एल की पावर
माइनस टू, यहाँ टी की पावर माइनस टू है, यहाँ टी की पावर फोर है बच्चों, टी की पावर माइनस टू है इधर, यहाँ टी की पावर फोर है, तो ये मिलके कितना बना देगा, टी स्क्वायर, ए की पावर माइनस टू है और ए की पावर टू मिलके कितना बन जाएगा बच्चों, ए की पावर जीरो। तो बच्चों देखिए यहाँ पर इसको बल लिख सकते हैं ऐसे, वन अपॉन एल टू दी पावर माइनस वन इंटू टी का होल स्क्वायर की होल पावर वन बाई टू, ऐसे करके लिख सकते हैं सर। तो टू से टू कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बन गया वन अपॉन एल की पावर माइनस वन और टी, एल की पावर माइनस वन ऊपर में ऊपर जाएगा तो बच्चों क्या बन जाएगा, L की पावर माइनस वन ऊपर जाएगा तो L में, और T की पावर वन ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, T की पावर माइनस वन में। तो दिस इज योर आंसर, क्लियर मेरे दोस्तों? यस सर, क्लियर। तो आपको दिख रहा होगा कि स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन एल टी माइनस वन है, और वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन भी एल टी माइनस वन है, सो हियर LHS इज इक्वल टू आर एच एस, LH S is equal to RHS, so we can say that this is also the dimensionally correct formula. Clear, my dear? Bolo. Yes, sir. Oh. So let us see the another uses of dimensions. So use kya hai bachcho? With the help of dimension, with the help of dimension. Derive the given, derive the formula or equation. बच्चों हमें क्या करना है, dimensions की help से equations और formula को derive करना है। तो कैसे derive करेंगे, चलिए देखते हैं। आपको मैं एक situation देता हूं, उस situation को आप समझिएगा। अच्छा बच्चों हम सभी जानते हैं ना सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, अगर एक सिंपल पेंडुलम होता था तो टाइम पीरियड कितना होता था बच्चों, नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा है टी इक्वल टू टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, है ना, ये पढ़ा है ना बच्चों? नो सर। अच्छा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इक्वल टू टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी होता है, पढ़ा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं पढ़ा। अरे ऐसे पढ़ा नहीं, एक सिंपल पेंडुलम होता था जो ऐसे लटका करता रहता था, एल लेंथ होती थी, ऐसे ऐसे घूमता था, ऑसिलेट करता था, तो इसका टाइम पीरियड जो होता था टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी होता था। ये कभी सुना नहीं कभी आज से पहले सर, ये फॉर्मूला नहीं सुना, ये टाइम पेंडुलम का डेफिनेशन पता है सर, पर ये नहीं फॉर्मूला नहीं पता, फॉर्मूला नहीं देखा हमने। चलिए कोई नहीं, अभी तो समझ में आ गया ना ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे, इस फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। कैसे, पहले कुछ एग्जांपल को देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं जिससे समझते हैं क्वेश्चन को। क्या इलस्ट्रेशन को, प्लीज इन क्वेश्चंस को करते वक्त जो भी आपको इलस्ट्रेशंस दिया जाए उस इलस्ट्रेशन को बहुत ही अच्छे से समझना है और पढ़ना है लाइन बाय लाइन। तो मेरे दोस्तों यहां पर आपको बोला गया द टाइम पीरियड of simple pendulum is depends on the mass of bob length of string and acceleration due to gravity. Then deduce the expression of time period of simple pendulum. मेरे दोस्तों सपोज ये क्वेश्चन आपको मिला, ठीक है। So बच्चों इस क्वेश्चन को जब पढ़ने जाना ना तो क्या पढ़ना, सबसे पहला लाइन लिखा है टाइम पीरियड, तो आप लिखना है यहां पर सॉल्यूशन के टाइम पर, देखिएगा मैं कैसे लिखता हूं, टाइम पीरियड टी लगा दिया, टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं ना बच्चों,
अरे बोलो, सिंपल पेंडुलम डिपेंड, अगला वर्ड मिल गया डिपेंड, अगला वर्ड मिल गया डिपेंड। तो डिपेंड का मतलब होता है प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी मार्क्स लगा देना, ठीक है। आपने पढ़ा था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स, इतनी इंफॉर्मेशन से आपको ये चीज लगानी। आगे मैं फिर भी अभी दोबारा फिर से बोलूंगा कि प्लीज जब मैं पढ़ाऊं तो सिर्फ उसे फोकस आप करो क्लास के पर। आपको लिखने का बहुत समय है, पूरी इंटायर लाइफ पड़ी है आपके पास, आप पूरी रात भर लिखना, दिन भर लिखना, इट्स योर विश, बट एटलीस्ट प्लीज फोकस ऑन दिस क्लास। प्लीज प्लीज प्लीज, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। सो डिपेंड्स ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल मास पर, फिर लेंथ पर, और फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास मींस एम, लेंथ मींस एल, और ग्रेविटी मींस जी। बच्चों सिंबल में टेंशन मतलब टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब ये लिख लिया, अब इसमें देखो क्या करना है आपको, इसमें पावर्स लगानी है। यहां लगा दो ए, यहां लगा दो बी, यहां लगा दो सी। ये लगा दिया ना, पावर ए, पावर बी, पावर सी। देखो बच्चों प्रोपोर्शनलिटी मार्क्स हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं ना बच्चों, के, अरे बोलिए, के एम टू दी पावर ए, एल टू दी पावर बी, डी टू दी पावर सी। दिस इज द इक्वेशन नंबर वन, ये लिख लिया ना। क्वेश्चन को पढ़ा और देखा कि कौन सी क्वांटिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, जिन जिन बातों पर डिपेंड कर रही है हमने उनको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने वैसे ही लिखा कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम L and G, okay, मेरे दोस्तों। तो this whole equation is indicates that the time period is depends on mass, length and G. I don't know कि कितना times mass में use हुआ है, कितना time length में use हुआ है, कितना time। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर बच्चों, हमने लगा दिया यहाँ पर powers A, B, C। अब हमारा motive पूरा aim क्या रहता है, हाँ मैं बता रहा हूँ भाई, हमारा क्योंकि आई वॉन्ट टू ड्राइव द इक्वेशंस ना, ड्राइव द इक्वेशंस, सो आई डोंट नो कि एल के ऊपर कौन सी पावर होगी, एल कितने टाइम्स यूज हुआ है। फॉर एग्जांपल एरिया है, अगर एरिया को मैं बोलूं एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है ना, लेंथ पे डिपेंड करता है। तो आंसर एरिया इक्वल टू कितना आता है बच्चों, एल स्क्वायर आता है ना, बोलिए भाई। तो हमें ये नहीं पता ना यहाँ पर पावर कितनी होगी एक्सप्रेशन को लिखने से पहले, तो एक्सप्रेशन को लिखने से पहले अगर आपको पावर्स नहीं पता है तो आपको कोई वेरिएबल ही डालना पड़ेगा। अब आपका मोटिव ये रहना चाहिए बच्चों कि ये ए बी सी इनकी वैल्यूज क्या है, इन पे फोकस करना चाहिए। ए बी सी इनकी वैल्यूज क्या है, इस पे फोकस करना चाहिए मेरे दोस्तों। कैसे करना है, राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड, राइट the dimensions, dimensional dimensions on both side. आप दोनों साइड डायमेंशन लिखो। तो बेटा टी की, टी क्या है, टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी। तो इट्स एम टू दी पावर जीरो, एल टू दी पावर जीरो एंड टी, ऐसे करके लिख लो। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको पावर निकालते वक्त, पावर की वैल्यूज निकालते वक्त आपको आसानी रहे। आप डायरेक्ट टी भी लिख सकते हो बट फिर भी वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इजिएस्ट वे में चलते हैं हम। और इजिएस्ट वे ये कहता है कि डायमेंशंस को लिखने वक्त आप इस तरीके से लिखो, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो और टी। के इज अ कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट इज अ, यहां पर नंबर आता है बच्चों, तो कॉन्स्टेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मास m, m की पावर m, m की डायमेंशन क्या होगी बेटा, m मास की डायमेंशन m ना, पावर ही। लेंथ, लेंथ की डायमेंशन क्या होगी बच्चों, l, पावर b। और बच्चों ग्रेविटी, ग्रेविटी की डायमेंशन क्या होगी, lt माइनस 2 पावर c। क्या कहते हो बच्चों, तो बच्चों यहां से देखने से पता चल रहा है m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 1 इज इक्वल टू m।
टू दी पावर ए. पूरी इस इक्वेशन में एक ही जगह m लिखा है ना, एक ही जगह m है ना, लेकिन आप देखो l की पावर b भी है और l की पावर c भी है. L की पावर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, L की पावर C, T की पावर माइनस टू सी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. L की पावर C भी है और L की पावर 2C भी है. तो जब L और L आपस में मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो पावर्स इनकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएंगी, एड हो जाएंगी. तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगी, बी प्लस इंटू टी की पावर माइनस टू सी. मेरे दोस्तों अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ डायमेंशंस फ्रॉम बोथ साइड. अगर दोनों साइड से पावर्स डायमेंशंस की पावर को कंपेयर कराते हैं तो जरा देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मास की पावर कितनी है, m की डायमेंशन जो m है उसकी पावर कितनी है बच्चों, जीरो. और राइट हैंड साइड में m की पावर कितनी है, a है. तो मैं a इक्वल टू कितना लिख दे सकता हूं बेटा, जीरो. यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में l की पावर कितनी है बच्चों, जीरो है. और जीरो है, जीरो, यस राइट. लेफ्ट हैंड साइड में जीरो है और राइट हैंड साइड में कितनी है, b प्लस सी है. तो b प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ जाता है बच्चों, जीरो. सिमिलरली t लेफ्ट हैंड साइड में t की पावर वन है और राइट हैंड साइड में t की पावर कितनी है बच्चों, माइनस टू सी, माइनस टू सी. तो माइनस टू सी इज इक्वल टू कितना आ जाता है बेटा, वन आ जाता है. फाइनली माइनस टू सी अगर वन आता है तो c कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस वन बाई टू. c माइनस वन बाई टू आ गया. सो b कितना आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना. सो आप देखिए फाइनली a जीरो, b वन बाई टू एंड c माइनस वन. नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, पुट द वैल्यू ऑफ a कॉमा b एंड c इन इक्वेशन वन. आप इक्वेशन वन में ए बी और सी की वैल्यूज लिख दीजिए. ओके बच्चों, तो जैसे इक्वेशन नंबर वन क्या थी बच्चों, इक्वेशन नंबर वन क्या थी, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टू दी के. ये थी ना इक्वेशन नंबर वन, टी इक्वल टू के एम टू दी पावर ए, एल टू दी पावर बी और जी टू दी पावर सी. तो टी इक्वल टू के m to the power a, l to the power b and g to the power c. मेरे दोस्तों जैसे ही पुट करेंगे तो k into m to the power 0, l to the power 1 by 2 and g to the power minus 1 by 2. मेरे दोस्तों यहां से आप देखो तो यही फॉर्मूला आ रहा है ना, k square root of l by g. आया कि नहीं आया, बोलो. yes. हाँ ना, बोलो. so I want to repeat it again for better clarification. कोई भी अगर derive करना हो आपको formula, तो आपको करना क्या है, questions को पढ़ना है. कैसे पढ़ लें कि the time period of simple pendulum depends on the mass of bob, length of string and acceleration due to gravity. तो this whole statement is right in the mathematical way. तो हमने लिखा कैसे कि time period लिखा है is directly proportional to mass पे depend कर रहा है, length पे depend कर रहा है और acceleration due to gravity पे depend कर रहा है. so m to the power a, l to the power b, g to the power c. मेरे दोस्तों proportionality mass हटाते हैं तो एक constant लगाते हैं, तो यहाँ पर एक constant put हो गया. तो this is the equation number one. equations लिखने के बाद आप सबसे पहले दोनों side dimensions लिख दो उन physical quantities की. जैसे ही लिख दिया m टू दी पावर जीरो, l टू दी पावर जीरो, t टाइम इधर, इधर मास की डायमेंशन, इधर लेंथ की डायमेंशन, इधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन. तो दिस इज एक्सेलरेशन, तो उसकी डायमेंशन एल टी माइनस टू हो जाएगी. अब पावर्स को लिखते चले गए. अब पावर्स को लिखने के बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं दोनों साइड पे. अगला मोटिव ये, कंपेयर कराते ही हमारे सभी वेरिएबल्स जो पावर्स थी उनकी वेरिएबल्स की वैल्यूज निकलना चालू हो जाती है.
और वो निकलते ही उस वैल्यूज को इक्वेशन नंबर वन में रखते ही हमारा एक्सप्रेशन निकल जाता है. क्लियर? लेट अस सी द डिफरेंट एग्जांपल फॉर बेटर क्लेरिफिकेशन. सपोज इन दिस गिवन इक्वेशन एफ इज इक्वल टू, या एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एफ इज ऐसे दे देगा, एफ इक्वल टू जी टू द पावर ए, एम टू द पावर बी एंड आर टू द पावर सी. देन find the value of a, b and c. तो अब आपको क्या किया, आपको equations की theory लिखने की जगह आपको पूरा question ही दे दिया. बोला भैया एक force है, यहां बोल रहे here f is force, g is gravitational constant, m is mass and r is distance. आपको ऐसे दे दिया और बोला कि सर ये एक इक्वेशन है जो f है, फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर a है, मास की पावर b है और r की पावर c है. अगर ऐसा है तो आप जो भी इक्वेशंस ड्रॉ करोगे उसमें a, b, c की वैल्यू क्या आएगी. तो आपको क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, अब आपको और आसान है ये क्वेश्चन, तो और आसान है, थ्योरी नहीं पढ़ने की जरूरत है. आपको लिखना है भैया यहाँ गिवन है एफ इज इक्वल टू जी टू द पावर ए, एम टू द पावर बी और आर टू द पावर सी. ओके 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 ओके. सो बच्चों हमें करना कैसे होता है, सो हमें लिखना है सबसे पहले राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड, राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड. हम दोनों साइड डायमेंशन लिख देंगे. तो फोर्स एफ की डायमेंशन बेटा क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस टू टी. एक्सेलरेट बताओ, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की डायमेंशन बोलो 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 एम टू दी पावर माइनस वन, एल टू दी पावर थ्री, और बोलो बोलो बोलो, और टी टू दी पावर माइनस टू. यही होती है कि नहीं होती बच्चों? यस सर. दिस इज द पावर ई इनटू मास टू दी पावर बी और आर टू आर विच इज एल और एल टू दी पावर सी. चलिए और इसको सॉल्व करते, अब फर्दर इसको सॉल्व करें तो इधर लिखेंगे एम एल, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर माइनस 2. ऐसा लिखने से हमारे लिए कंपेयर करना आसान हो जाता है. यहां देखिए बेटा, यहां m की पावर माइनस a है, यहां पर बच्चों m की पावर माइनस a है, दिख रहा होगा a इंटू माइनस 1 इज माइनस a, और यहां पर m की पावर b है. तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी बच्चों, एड हो जाएंगी. तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, एम टू दी पावर माइनस a प्लस b. सिमिलरली यहां पर आप देखिए तो एल टू दी पावर थ्री ए है और यहां पर एल टू दी पावर सी है. तो ऐसा जब लिखेंगे आप तो आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई पे कर देंगे तो यहां पर बच्चों हो जाएगा एल टू दी पावर थ्री ए प्लस प्लस सी एंड टी इज सिंपल लिखा हुआ है तो टी टू दी पावर माइनस टू ए. इसको कंपेयर कराते ही पहली इक्वेशन अब क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग powers from both sides. So, दोनों साइड से अगर पावर्स को कंपेयर करते हैं तो माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, वन. बिकॉज यहां पर माइनस ए प्लस बी की होल पावर वन है. क्लियर बेटा? देखो m की पावर यहां माइनस ए प्लस बी है और यहां कितनी है, वन है. तो राइट हैंड साइड पे माइनस ए प्लस बी है और लेफ्ट हैंड साइड पर वन है. तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं कि माइनस ए प्लस बी जो होगा वन के इक्वल होगा. बच्चों इसको देखिए, अगर एल की पावर राइट हैंड साइड में थ्री ए प्लस सी है, लेफ्ट हैंड साइड में वन है, तो मैं अगली इक्वेशन बनाऊंगा थ्री ए प्लस सी इज इक्वल टू वन एंड लास्ट वन इज टी टू द पावर माइनस टू ए है और यहां पर है टी टू द पावर माइनस टू. मेरे दोस्तों माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2.
ए की वैल्यू टू रखते ही बी की वैल्यू कितनी आ रही, जरा देखिए आप। वन आएगी ना सर, ए की वैल्यू वन आएगी, आई एम सॉरी, ए की वैल्यू वन, और वन रखते ही यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। बी की वैल्यू टू आ गई, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, माइनस टू आ जाएगी। सारी वैल्यूज निकाल ली आपने, ए बी सी, बस यही तो पूछा गया है आपसे कि ए इज A equal to 1, B is equal to 2 and C is equal to minus 2. This is your answer. Clear, my dear friends? Yes, sir. Clear, बच्चों? कोई समस्या? एक क्वेश्चन और करते, एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से, जिससे कि आप और अच्छे से समझ सको क्वेश्चंस, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन क्या है इस बार? इस बार क्वेश्चन है आपके पास, the moment of inertia, the moment of inertia of body depends on mass of body and radius या फिर size of the body and size of body. This is D and this is mass is smaller. Then deduce the expression of moment of inertia. है ना? Deduce the expression of moment of inertia of body. तो फिर से वही चीज बोली गई ना, moment of inertia of a body depends on mass of body and size of body d. That means size मतलब length या distance, है ना? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से इंडिकेट करते, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इनटू d. बेटा m टू दी पावर a, d टू दी पावर b, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो. अच्छा 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 अच्छा, ठीक है. जैसे ही आपने ये लगा दिया तो आप क्या प्रोपोर्शनलिटी मास हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो k m टू दी पावर a इनटू d टू दी पावर b. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. अगला प्रोसेस क्या होता था, अगला स्टेप क्या होता था, बताओ बताओ, कोई बच्चा बताएगा अगला स्टेप क्या होता था? डायमेंशन लिखते हैं दोनों साइड. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बच्चों डायमेंशन क्या होती है, एम एल स्क्वायर. के इज अ डायमेंशन लेस फंक्शन, एम एम की डायमेंशन एम, मास है डायमेंशन ए, और डी की डायमेंशन एल. बच्चों अब क्या करते थे, अगला स्टेप क्या होता था, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, कंपेयरिंग पावर्स फ्रॉम बोथ साइड्स. सो यहाँ पर एम की पावर कितनी है बच्चों, राइट हैंड साइड में ए है, राइट हैंड साइड में ए है और लेफ्ट हैंड साइड में वन है. सो कंपेयर कराते ही ए की वैल्यू कितनी मिल गई, वन मिल गई. राइट हैंड साइड में एल की पावर कितनी है बच्चों, बी है. यहाँ पर एल की पावर कितनी है, टू है. सो टू इज इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, टू मिल गया. ए इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू टू. तो अगर मैं अब क्या करते थे, अगला काम क्या करता था, ए और बी दोनों की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते. इक्वेशन नंबर वन क्या है, के एम टू दी पावर ए, एल टू दी पावर बी. So I is equal to K M to the power 1 B to L to the power, sorry, K M to the power A L to the power B or M L, D, sorry D. So M to the power 1 and D square. So final answer क्या आ जाएगा, I is equal to M D square. Clear मेरे दोस्तों? Clear? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया आपको बढ़िया से अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.